कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। अब असीजा जी के पास गए थे। असीजा जी कौन है? असीजा जी यहाँ जो है अपनी विधायक यहाँ चलाने आएंगे। अब असीजा जी के पास गए थे। असीजा जी कौन है? असीजा जी यहाँ जो है अपनी विधायक यहाँ चलाने आएंगे। अब असीजा जी के पास गए थे। असीजा जी कौन है? असीजा जी यहाँ जो है अपनी विधायक यहाँ चलाने आएंगे। विधवा विकलांग महिला से दरोगा जी की बदतमीजी का वीडियो वायरल। ट्रॉमा सेंटर के सामने चल रहे खोके के साहब को ही परेशानी। मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य के आदेश के बाद विधवा महिला चला रही है चाय की दुकान। बुजुर्ग विधवा महिला की समस्या को देखते हुए दी गई परमिशन। बिना किसी आदेश और शिकायत के दरोगा जी बंद करवाने पहुंचे चाय के खोके को। दरोगा जी ने विधायक मनीष असीजा और कॉलेज के प्रिंसिपल को भी कहा ये कौन होते हैं। दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना उत्तर के ट्रॉमा सेंटर का मामला। सर वो जब विकलांग है सुनने का हमारा काम है। हाँ सुनो, अब सुनो। सुन रहे हैं सर हम, आप सौदा फेंक रहे हैं, हम देखकर आए हैं तुरंत। सामान सौदा फेंक नहीं रहे, हमने मना किया था। मैंने कहा आप विकलांग हो, वहाँ बैठी रहो। आंखों से ये देखा कि आप सामान फेंक रहे थे। सामान फेंक नहीं रहे, मैंने रखा है उसमें। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने देखा, मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, अब बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी है? परेशानी हमारी जी है बेटा कि हमारा दुकान आज 6 साल से यही पेड़ के नीचे था। तो जब ये बनने के लिए हुआ तो हमारे बाने बोल दिए थे ठेकेदार ने कि अम्मा कुछ दिन के लिए वहाँ कर ले, अगर बन जाएगा तो ये क्यों नहीं किया फिर वहाँ? हाँ हम वही कर रहे थे, वही था। तो जब बन गया फिर मैडम के पास गए, प्रिंसिपल साहब के पास गए, मैंने सबके पास। मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोली कि जा तुम रख लो। लेकिन हमारे पास इनको दिखाइए साहब को। तो वहाँ तो वहाँ रखा है ना, घर पे रखा है। अभी क्या मामला हुआ? अभी मामला कह रहे हैं कि तुमने किसके ऑर्डर से लकिंग हो, इसको हटाओ यहाँ से, बंद करो यहाँ से। आप विधायक जी के पास गए थे क्या? मैं भाई ने तो कहे इनके 2 लेटर हमारे पास, भाई ने कहा कि जा तुम जहाँ पर रखा था उसको दरगाह के पीछे थोड़ा सा 2 कदम बढ़ा के तुम रख लेना। तो हमने रख लिया भैया, और सुबह हमने गए, अभी हाल ही गए, कल भी गए, परसों भी गए। परसों मैडम ने बोली कि अम्मा 2-3 दिन रुक लो, अभी विधायक हमारे मामा जी को बनने में एक टाइम है, बन जाएंगे तो तुम रख लेना। मैंने पहले भी आपसे बोला था हटाने के लिए है? कभी और नहीं, कभी पहले दिन आया। 2-3 महीना तो सर के आए हुए हो रहा है। आज मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पहले एक भी एक दो बार और बोला है आपको? नहीं। असीजा जी कौन है? असीजा जी यहाँ जो है अपनी विधायक यहाँ चलाने आएंगे। हाँ तो कौन गए थे? असीजा जी कौन है? असीजा जी यहाँ जो है अपनी विधायक यहाँ चलाने आएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आप जो बिना सिर पैर की बात कर रही हो। ठीक है, चलो भैया हटाइए, तुरंत हटाइए, ये नहीं चलेगा। अभी हम थक गए हैं। हाँ थक गए तो यहाँ नहीं रहेगा ये। हाँ तो मैं हटा, बंद करिए इसको, हम बंद कर देंगे। बस बंद करो। हाँ बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद करो। क्या हो गया, क्या हो गया अम्मा जी, क्या मामला है? कितना हो गया आपका काम? पूछ सकता हूँ मेरा आदेश ऑर्डर? कौन से प्रेस? हमने तो देखा नहीं आपको। आप अपना वो दिखाओ। क्या दिखाऊं? पास दिखाओ अपना। वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। मैं बोल तो रहा हूँ सूचना विभाग में पता कर सकता हूँ, मैं पत्रकार हूँ या नहीं हूँ, मतलब क्या? एक मिनट रुक जाओ ना, लो मैं दिखा रहा हूँ लो। सर वो जब विकलांग है, सुनने का हमारा काम है। हाँ सुनो, अब सुनो। सुन रहे हैं सर हम, आप सौदा फेंक रहे हैं, हम देखकर आए हैं तुरंत। सामान सौदा फेंक नहीं रहे, हमने मना किया था। मैंने कहा आप विकलांग हो, वहाँ बैठी रहो। आंखों से ये देखा कि आप सामान फेंक रहे थे। सामान फेंक नहीं रहे, मैंने रखा है उसमें। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने देखा, मैं बोल रहा हूँ। बना बेटा बना बिल्कुल। हाँ अब बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी है? परेशानी हमारी जी है बेटा कि हमारा दुकान आज 6 साल से यही पेड़ के नीचे था। तो जब ये बनने के लिए हुआ तो हमारे बाने बोल दिए थे ठेकेदार ने कि अम्मा कुछ दिन के लिए वहाँ कर ले, अगर बन जाएगा तो ये क्यों नहीं किया फिर वहाँ? हाँ हम वही कर रहे थे, वही था। तो जब बन गया फिर मैडम के पास गए, प्रिंसिपल साहब के पास गए, मैंने सबके पास। मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोली कि जा तुम रख लो। लेकिन हमारे पास इनको दिखाइए साहब को। तो वहाँ तो वहाँ रखा है ना, घर पे रखा है। अभी क्या मामला हुआ? अभी मामला कह रहे हैं कि तुमने किसके ऑर्डर से लकिंग हो, इसको हटाओ यहाँ से, बंद करो यहाँ से। आप विधायक जी के पास गए थे क्या? मैं भाई ने तो कहे इनके 2 लेटर हमारे पास, भाई ने कहा कि जा तुम जहाँ पर रखा था उसको
दरगाह के पीछे थोड़ा सा दो कदम बढ़ा के तुम रख लेना। तो हमने रख ली भैया, और सुबह हमने गए, अभी हाल ही गए, कल भी गए, परसों भी गए। परसों मैडम ने बोली कि अम्मा दो तीन दिन रुक लो, अभी विधायक हमारे मामा जी को बनने में नेक टाइम है, बन जाएंगे तो तुम रख लेना। मैंने पहले भी आपसे बोला था हटाने के लिए है? कभी और नहीं, नहीं 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 कभी पहले दिन आया है, दो तीन महीना तो सर के आए हुए हो रहा है। आज मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पहले एक भी एक दो बार और बोला है आपको? नहीं नहीं।